टाइप होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे वाला मेजर डिग्री में टाइप
टाइप टू का पोस्टीरियर पार्ट और टाइप थ्री और टाइप फोर आएगा, ठीक है, समझ में आया। माइनर में क्या आएगा, माइनर में क्या आएगा, टाइप वन और टाइप टू का एंटीरियर, ठीक है, समझ में आया रेशमा। माइंड में, माइंड दीजिए क्या है, कमजोर जिसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं, टाइप वन एवं टाइप टू का एंटीरियर है, और मेजर डिग्री में टाइप टू का पोस्टीरियर, टाइप थ्री और टाइप फोर, समझ में आ गया ना। अब उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर प्लासेंटा प्रीविया है किसी लेडी को तो क्या लक्षण होते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है, ब्लीडिंग तो हमने जान गए कि इसमें ब्लीडिंग होगा ही, पर पेनलेस ब्लीडिंग होगा, अचानक होता है और कि दर्द भी नहीं होता है, इसमें पेनलेस है, कॉजलेस है, बिना किसी कारण का अचानक से होती है, ठीक है, बार बार होता है, आज हो गया कल हो गया दो दिन बाद फिर हो गया, तो ऐसा ब्लीडिंग होगा तो लेडी डर जाएगी ना। तो ब्लीडिंग किस कलर का होगा, तो ब्राइट रेड का होगा, रफ रेस, ब्राइट रेड, रेड मतलब क्या है, सुहाना ब्लड नहीं, फ्रेश ब्लड है ना, वहीं से लीक होता हुआ प्लासेंटा, ठीक है, तो ब्राइट रेड कलर का होगा। मदर की जनरल कंडीशन होने वाले रक्तस्राव की मात्रा के समानुपाती होती है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होता है जिससे उसको क्या नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं, रक्तारकता होता है, एनीमिया होता है, एनीमिया का प्रॉब्लम हो तो फिर वीकनेस भी होगा लेकिन, ये सारा इंपॉर्टेंट लक्षण है प्लासेंटा प्रीविया का, ठीक है। आगे इसका प्लासेंटा प्रीविया से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डिलीवरी में होगा ना, अगर आगे प्लासेंटा अगर पहले निकल गया या सामने की ओर है तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना डिलीवरी में, तो वो क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो डिलीवरी के समय आती है और ऐसा होता है तो क्या है, शॉक हो सकता है, डिलीवरी शॉक में चली जाएगी जिसमें उसका ब्लड का सारा वाटर ये हो सकता है कम हो जाए, है ना, हाइपोवोलेमिक हो सकती है या कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन होता है, माल प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, माल प्रेजेंटेशन नॉर्मल पोजीशन से किसी और पोजीशन में पीछे चला जाता है ना, नॉर्मल पोजीशन क्या है, प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में ना सामने की ओर जो रहता है उसको बोलते हैं, उसका जो भी बॉडी का पार्ट जो है ना बेबी का वो सामने की ओर, मतलब की जो पहले डिलीवर हो जो दिखता है सबसे पहले उसको बोलते हैं कि हम प्रेजेंटेशन है ना बोलते हैं, तो मार्क प्रेजेंटेशन क्या होगा, नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है, तब क्या है, हाँ वर्टेक्स क्या है, समय पूर्व प्रसव होना, प्रीमैच्योर लेबर हो सकता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होगा तो तुम उसको रहने दो, तो उसको क्या करेंगे, तो हो सकता है लेबर को कंटिन्यू करते हुए डिलीवरी करा देंगे, ड्यूरिंग लेबर अगर लेबर स्टार्ट हो गया है तो समय में पड़े प्रेगनेंसी के दौरान, अभी पढ़ेंगे डिलीवरी कराते समय उसको क्या प्रॉब्लम होगा, तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है इसे हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम हो गया स्लो डायलिटेशन होगा, बेबी जो मदर का डायलेट हो रहा था क्या डायलेट होता है, क्या डायलेट होता है, सर्विस जो डायलेट होता है वो क्या होगा, स्लोली डायलेट होता है, एक घंटे में कितना रख सकना चाहिए, कितना उसको फैलना चाहिए, एक घंटे में एक सेंटीमीटर तो फैलता है ना, एक घंटे में भी एक सेंटीमीटर नहीं होगा, उससे भी कम होगा, अर्ली रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी रक्चर हो सकता है, ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, क्वाड प्रोलैप्स का हम पढ़े हैं, क्वाड क्योंकि सामने की ओर है प्लासेंटा प्रीविया तो क्वाड में अटैच है ना, प्लासेंटा के साथ क्वाड अटैच है,
क्लासेस में